और चलिए आगे दिखाते हैं आपको हमारी खास पेशकश। पूरा ब्रिटेन गम में डूबा हुआ है, हर किसी की आंखें आंसुओं से नम है, बच्चे हो बूढ़े हो, हर किसी के चेहरे पर सागर से भी गहरा दर्द है। और होगा भी क्यों नहीं, उनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो अब इस दुनिया में नहीं रही, हर कोई अपनी महारानी को अंतिम विदाई देना चाहता है। महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लंदन की सड़कों पर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग कई घंटों से लाइन में खड़े हैं। आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कैसे महान डेविड बेकहम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देने के लिए कई मील तक लाइन में खड़े हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने, देखिए कैसे हजारों लोग महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए घंटों से लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग थके नहीं, बिल्कुल शांति से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। तीसरी तस्वीर देखिए, जहां घंटों से लाइन में खड़े लोगों से मिलने खुद ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय अपने बेटे प्रिंस विलियम के साथ वहां पहुंचे और शोक सभा में इंतजार कर रहे लोगों का अभिवादन किया। चौथी तस्वीर आपके सामने, ये बर्मिंघम की तस्वीर है, जहां पर फुटबॉल प्रीमियर लीग के मैच में शुरुआत में स्टेडियम में खिलाड़ियों ने महारानी के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार बर्मिंघम पैलेस में मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी महारानी से मिलने पहुंचे थे, महारानी के लिए कुछ खास तोहफे लेकर गए थे। वो तोहफे देखकर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय बेहद खुश हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पुरानी यादों का तोहफा दिया था। वो तोहफा क्या था, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन का यह बर्मिंघम पैलेस अपनी शान शौकत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस पैलेस की रौनक अब फीकी है, क्योंकि इस पैलेस की महारानी अब हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। वैसे इस पैलेस को अब किंग चार्ल्स तृतीय मिल गए हैं, लेकिन 70 वर्षों तक इस महल में रहने वाली एलिजाबेथ द्वितीय की यादें अभी भी जिंदा है। बर्मिंघम पैलेस के इसी महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महारानी एलिजाबेथ से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मिलने पहुंचे थे। 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले ब्रिटेन दौरे पर नवंबर 2015 में पहुंचे थे। भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्वीन एलिजाबेथ से मिलने पहुंचे तो महारानी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और दोनों मुस्कुरा रहे थे। आमतौर पर क्वीन एलिजाबेथ जब भी किसी से मिलती हैं तो ग्लव्स पहने हुए मिलती हैं, लेकिन जब पीएम मोदी से पहली बार मिली तो उन्होंने हाथों में ग्लव्स नहीं पहना हुआ था। पीएम मोदी ने अपने साथ आए डेलीगेशन का महारानी से एक एक कर परिचय करवाया। इसके बाद महारानी पीएम मोदी को अपने साथ एक और हॉल में ले गई, जहां उन्होंने पीएम मोदी के लाए तोहफों को बड़ी ध्यान से देखा। पहली बार महारानी से मिलने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उनके लिए कुछ खास तोहफे लेकर गए थे। वो तोहफे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 61 साल पुरानी जो भारत यात्रा थी उससे जुड़ी हुई कुछ यादें थीं। दरअसल पीएम मोदी ने कुछ खास तस्वीरें जो हैं वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भेंट की थी, जो सन 1961 के दौर में खींची गई थी। उन खास तस्वीरों को बेहद सुंदर फोटो फ्रेम में सजाया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने महारानी को उस वक्त बनारसी शॉल भी भेंट दी थी। तीन रंग की शॉल पर बनारसी कढ़ाई की गई थी। पीएम मोदी ने महारानी को दार्जिलिंग की मकईबाड़ी स्टेट के बागान की देशी चाय पत्ती तोहफे में दी थी। वो चाय पत्ती जिस बागान की थी, वो चाय बागान कभी भी ब्रिटिश राज के कब्जे में नहीं आ सका था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का ऑर्गेनिक शहद भी भेंट में दिया था। तब महारानी ने पीएम मोदी के सम्मान में लंच का भी आयोजन किया था। खास बात ये थी कि महारानी को पता था कि पीएम मोदी शाकाहारी हैं और उन्हें गुजराती खाना पसंद है, इसलिए लंच में शाकाहारी और गुजराती खाना परोसा गया था। ये पल पीएम मोदी को अच्छे से याद है। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए महारानी के साथ जुड़ी यादें भी साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, साल 2015 और 2018 में ब्रिटेन की यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई हैं। मैं उनकी गर्मजोशी और उदारता को कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। उनके इस व्यवहार को मैं हमेशा याद रखूंगा।
पीएम नरेंद्र मोदी को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने का दूसरा अवसर 2018 के ब्रिटेन दौरे पर मिला। 2018 में पीएम मोदी दूसरी बार बर्किंगम पैलेस में महारानी से मिलने पहुंचे। इस बार भी महारानी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आमतौर पर हमेशा ग्लव्स में दिखने वाली महारानी ने इस बार भी पीएम मोदी से बिना ग्लव्स के ही हाथ मिलाया। पीएम मोदी की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से दूसरी मुलाकात में खास बात हुई। दोनों की मुलाकात में महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया था जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। 2018 में महारानी एलिजाबेथ ने पीएम मोदी को एक खास रूमाल दिखाया था। वो रूमाल एक वक्त महात्मा गांधी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया था। वर्ष 1947 में एलिजाबेथ की शादी के दौरान गांधी ने तोहफे में रूमाल दिया था जिसे महारानी ने पीएम मोदी को दिखाया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय गांधी जी से कभी नहीं मिली थी लेकिन उनके विचारों की समर्थक थी। यही वजह है कि सन 1961 में जब एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई तो दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। महात्मा गांधी को और करीब से जानने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अहमदाबाद में गांधी आश्रम भी गई थी। वहां जाकर उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ी यादें भी देखी थी। महात्मा गांधी के प्रति उनका सम्मान ही था कि उन्होंने उनका दिया हुआ रूमाल बरसों तक संभाल कर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स डाउन ऑफ भारत। दो हजार 867 हीरे, सोचिए अगर किसी को मिल जाए तो वो शख्स कितना खुश नसीब होगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मुकुट पर इतने ही हीरे जड़े हुए हैं और उसे मुकुट में जड़ा है हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कोहिनूर भारत से ब्रिटेन में महारानी के मुकुट तक पहुंच गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 सालों तक शासन किया। 2 जून 1953 ये वो तारीख थी जब वो ब्रिटिश सिंहासन पर बैठी थीं और तब वो एक नहीं बल्कि एक साथ 32 देशों की रानी बन गई थीं। क्वीन की पहचान किसी और चीज से ज्यादा उनके क्राउन से होती है और यही मुकुट के साथ महारानी एलिजाबेथ का हिंदुस्तान के साथ बड़ा कनेक्शन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कोहिनूर की। महारानी एलिजाबेथ खास मौकों पर इस ताज को पहनती थीं। ये ताज अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसमें जड़ा है हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा। अब जब महारानी का निधन हो चुका है तो इस कोहिनूर हीरे का क्या होगा? ये हीरा वापस हिंदुस्तान आएगा? अगर नहीं तो ये किसके पास जाएगा? इन सवालों का जवाब आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझिए आखिर हिंदुस्तान का कोहिनूर कैसे ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में पहुंच गया। करीब 800 साल पहले हिंदुस्तान के गोलकुंडा खदान में एक चमचमाता पत्थर मिला था जिसे कोहिनूर नाम दिया गया। इस कोहिनूर की खातिर देश के राजाओं ने मुस्लिम आक्रांताओं से लंबी लड़ाई लड़ी थी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर से सजे अपने मुकुट को बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंप कर गए थे। साल 1849 में अंग्रेजों का पंजाब पर कब्जा हो गया और ये कोहिनूर पहुंच गया ब्रिटेन के राज परिवार के पास। ब्रिटिश क्वीन के क्राउन की कीमत की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ताज की कीमत 4,500 करोड़ रुपए के करीब है। इसमें कोहिनूर हीरे के साथ 2,867 हीरे भी लगे हुए हैं। ताज में लगा बेशकीमती कोहिनूर 105 कैरेट का है। इसके साथ सोने के माउंट में 17 नीलमणि, 11 पन्ना और 269 मोती शामिल हैं। मुकुट के सामने 104 कैरेट स्टुअर्ट नीलमणि जड़ी है जिसे 1909 में
पीछे की तरफ ले जाया गया। इसकी जगह 370 कैरेट का कुलिनन 2 यहां लगाया गया। ब्रिटेन की महारानी इसे संसद के उद्घाटन के समय पहनती हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों के सामने एक ही सवाल है कि इस मुकुट में जो कोहिनूर का हीरा लगा है उसका क्या होगा। इस साल की शुरुआत में महारानी एलिजाबेथ ने घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स जब सिंहासन पर बैठेंगे तो उनकी पत्नी कैमिला, जो डचेस ऑफ कार्निवल है, क्वीन कंसोर्ट बन जाएंगी। ऐसे में महारानी के निधन के बाद क्वीन कंसोर्ट बनी कैमिला को ये बेशकीमती कोहिनूर लगा ताज मिल जाएगा। महारानी का ताज तो उनकी बहू क्वीन कंसोर्ट कैमिला के पास जाएगा, लेकिन महारानी की संपत्ति का क्या? सवाल ये भी है कि ब्रिटेन के शाही खजाने का कौन हकदार होगा। महारानी एलिजाबेथ दुनिया की अकेली ऐसी महिला थी जिन्हें विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 96 साल की महारानी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई हैं? इनकी इनकम का सोर्स आखिर क्या था? महारानी एलिजाबेथ अपने पीछे 72.5 बिलियन पाउंड यानी 6,631 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति छोड़कर गई हैं। महारानी के आय के प्रमुख सोर्स के बारे में बात करें तो उन्हें सॉवरन ग्रांट वार्षिक तौर पर सरकार से प्राप्त होता था, जबकि प्रीवी पर्स महारानी की निजी आय होती थी जिनमें करदाताओं का पैसा शामिल नहीं था। ब्रिटेन की महारानी की संपत्ति के बारे में अक्सर अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि खुद महारानी की तरफ से इस बारे में कभी कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अनुमानित कुल संपत्ति 365 मिलियन पाउंड यानी 33.36 अरब रुपए से ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं 14 देशों की महारानी थीं। इन देशों को कॉमनवेल्थ रियल्म के रूप में जाना जाता है। 1952 में पिता जॉर्ज सिक्स के निधन के बाद प्रिंसेस एलिजाबेथ जब क्वीन बनी तो उस समय वो 32 देशों की रानी थीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे आधे या तो गणतंत्र बन गए या किसी दूसरे शाही परिवार के शासन के अधीन चले गए। निधन से पहले महारानी एलिजाबेथ जिन देशों की प्रमुख थी वो आपको बता देते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बहामास, ग्रेनेडा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, तुवालू, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, एंटीगुआ और बारमूडा, बेलिज, सेंट किट्स एंड नेविस। हालांकि इन देशों के प्रमुख के रूप में महारानी की भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक थी। वे सीधे शासन में शामिल नहीं रही क्योंकि वो राज्य की मुखिया मानी जाती थी, न कि सरकार की। और अब इन देशों में यही हैसियत नए महाराजा चार्ल्स तृतीय की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।